गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई विल एक्सप्लेन अ न्यू टॉपिक पोलिनेशन आज हम लोग पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में और पोलिनेशन कितने तरह से होते हैं तो स्टार्ट करते हैं पोलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन किसी भी फ्लावर में जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं ठीक है थीके? एंथर मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि पॉलिनग्रेन्स एंथर में होते हैं और एंथर इसका पार्ट होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमिन उसका पार्ट होता है एंथर और इसमें पॉलिंग्रेन्स होते हैं जिनका ट्रांसफर स्टिग्मा यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पे होता है तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ पॉलिनेशन कैन आकर इन टू वेज पॉलिनेशन दो तरीके से होता है फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में और इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे सेल्फ पॉलिनेशन वेन द पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लार आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लार और एनेदर फ्लार ऑन द सेम प्लांट इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन तो जब पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से फ्लावर के स्टिग्मा पर या तो सेम फ्लावर में होता है ये प्रोसेस या दूसरे फ्लावर में प्रोसेस होता है मगर ये दोनों ही फ्लावर्स एक ही सेम प्लांट के होते हैं तो इस तरीके के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं अब हम लोग डायग्राम देखेंगे उससे हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होते हुए हम लोगों को दिख रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया द पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ये क्या है एंथर है ठीक है और पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे स्टिग्मा पर ये स्टिग्मा है और ये पॉलिन्स का ट्रांसफर हो रहा है ऑफ अ फ्लार आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लार और एनदर फ्लार ऑन द सेम प्लांट या तो एक ही फ्लार में ये पॉलिनेशन हो रहा है या एक ही प्लांट के दो फ्लार में ये पॉलिनेशन हो रहा है ठीक है यानी कि जो पॉलेंस का ट्रांसफर हो रहा है वो या तो एक ही फ्लावर में हो रहा है या एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स में हो रहा है ठीक है तो इस तरीके के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्लियर हो गया स्टूडेंट्स ना द नेक्स्ट वन इज क्रॉस पॉलिनेशन when the pollen grains from the anther of a flower of one plant are transferred to the stigma of another flower of different plant of the same kind it is called cross pollination the so, job pollen grains जो कि एंथर में होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे और ये दोनों ही प्लांट सेम काइंड के होते हैं तो इस तरीके के जो पॉलिनेशन को बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन अब हम लोग डायग्राम से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में ये पॉलिनेशन होता है यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये एंथर है ना इनसे ये पॉलिन ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे प्लांट के फ्लावर में स्टिग्मा की तरफ तो इस तरीके के पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं क्लियर हो गया स्टूडेंट्स ना जनरली पॉलिन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप ज़्यादातर पॉलिन ग्रेन्स में जो कोट होता है मतलब बाहरी जो कवर होता है वो कैसा होता है टफ होता है ठीक है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करता है प्रिवेंट करता है ताकि वो सूखे नहीं पॉलिनेशन ऑलवेज रिक्वायर्स सम एजेंट्स टू कैरी पॉलिन ग्रेन्स एंड रिलीज देम टू द स्टिग्मा पॉलिनेशन के लिए हमेशा कुछ एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो उन्हें कैरी करें और स्टिग्मा पे रिलीज कर दें दीज एजेंट्स में भी इंसेक्ट्स बर्ड्स अदर एनिमल्स विंड एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो एजेंट्स इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं बर्ड्स भी हो सकती हैं कुछ अदर एनिमल्स भी हो सकते हैं विंड और वाटर भी हो सकते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बाय इंसेक्ट्स बाय विंड एंड बाय वाटर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बाय इंसेक्ट्स means pollination by insects so many insects such as bee butterflies and moths feed on the nectar of flowers a few insects are attracted by the color and odor of the flowers when these insects visit the flowers the pollen grains from the anther sticks on sticks to their bodies and when these insects sit on another flower these pollen grain get rubbed off causing pollination तो बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बीज बटरफ्लाइज मॉथ्स जो कि फ्लार के नेक्टर को फीड करते हैं ठीक है तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि कलर से या उसकी खुशबू से फ्लार की अट्रैक्ट होते हैं और जब ये इंसेक्ट बैठते हैं इन फ्लावर्स के ऊपर तो पॉलिनग्रींस एंथर से वो स्टिक हो जाते हैं इनकी बॉडी पे इनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं मतलब चिपक जाते हैं और जब ये इंसेक्ट्स दूसरे फ्लावर्स पे बैठते हैं तो ये ग्रेन्स रब्ड ऑफ हो जाते हैं मतलब उनसे छूट जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है पॉलिनेशन होता है द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स हैव लार्ज ब्राइटली कलर्ड एंड स्वीट सेंटेड फ्लास सम फ्लास कंटेन नेक्टर ऑल्सो तो इस तरीके से इंसेक्ट के थ्रू ये पॉलिनेशन होता है अब हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे ये स्टूडेंट्स आप डायग्राम देख पा रहे हैं जिसमें पॉलीनेशन हो रहा है इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन बाय एन इंसेक्ट इसमें आप देख रहे हैं ये स्टिकमा है और ये इंसेक्ट है यानी कि बी है बट वो हनी बी जो कि फ्लावर के अंदर नेक्टर फीड कर रही है ठीक है और आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से पॉलिन कैरीड बाय बी किस तरीके से यहाँ पे ये पॉलिन्स इनमें लग रहे हैं ये आप देख रहे हैं और ये जब दूसरे प्लांट पे दूसरे फ्लावर पे जा रही है तो किस तरीके से ये स्टिग्मा ये स्टिग्मा इस पर टच हो रहा है बी के पास और ये इस तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है Now, the next one is pollination by wind. When pollen grains mature, the anthers break open to release them. The blowing wind carries mature pollen grains from one flower to another flower and helps in pollination. Wind pollinated Flowers are found in plants such as grass, wheat, corn, sugarcane, rice, and maize. Wind pollinated flowers are usually born in clusters. They do not have sepals and petals and also do not produce nectar. They have long and sticky. और फेदरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप द पॉलिन ग्रेन्स दीज फ्लावर्स प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलिन ग्रेन्स विच आर लाइट एंड नॉन स्टिकी तो पॉलिन ग्रेन्स जब मेच्योर हो जाते हैं कुछ प्लांट्स में तो एंथर क्या हो जाता है ब्रेक होता है और उनको रिलीज कर देता है अब ये जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं ये हवा के थ्रू क्या होते हैं दूसरे प्लांट्स में दूसरे फ्लावर्स में स्टिक हो जाते हैं जाके ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर एंड हेल्प इन पॉलिनेशन और इस तरीके से पॉलिनेशन होता है तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर फाउंड इन प्लांट्स और कुछ ये विंड पॉलिनेटेड फ्लार्स जो होते हैं वो कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं जैसे ग्रास व्हीट कॉर्न शुगर केन राइस और मेज यानी कि भुट्टा में तो इस तरीके से इनमें पॉलिनेशन होता है और ये जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ये यूजुअली क्लस्टर्स में बॉर्न होते हैं और इनमें सेप्पल्स और पेटल्स नहीं होते हैं और ना ही इनमें नेक्टर प्रोड्यूस होता है ये बहुत ही लंबे लॉन्ग स्टिकी फेदरी स्टिग्मा इनमें होता है इस इनमें जो स्टिग्मा होता है वो कैसा होता है लॉन्ग स्टिकी और फेदरी यानी कि रोएदार ठीक है और जो कि ईजिली ट्रैप कर लेते हैं ग्रेन्स को और इस तरीके के जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में पॉलेन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इनका डायग्राम देखेंगे ये आप डायग्राम देख रहे हैं जिसमें पॉलिनेशन बाय विंड शो हो रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रास में शुगर केन कॉर्न राइस और मेज प्लांट्स में इस तरीके का पॉलिनेशन होता है इसमें आप देख रहे हैं कि ये एंथर है और ये फैदरी स्टिकमा है ठीक है जो कि इसमें वो हो जाते हैं फंस जाते हैं है ना? तो ये कैसा होता है स्टिकी और फेदरी होता है ठीक है और पॉलिन ग्रेन्स को ये क्या कर लेते हैं ट्रैप कर लेते हैं तो इस तरीके से ये पॉलिनेशन बाय विंड होता है तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स नाउ द लास्ट वन इज पॉलिनेशन बाय वाटर द पॉलिनेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स इज जनरली डन बाय वाटर द वाटर करेंट्स कैरी मेच्योर पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू एनादर एंड हेल्प इन पॉलीनेशन तो ये जो पॉलीनेशन होता है ये एक्वेटिक प्लांट्स में जनरली होता है वॉटर के हेल्प से द वॉटर करेंट्स कैरी मेच्योर पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लार टू एनेदर एंड हेल्प इन पॉलिनेशन तो वाटर करेंट के थ्रू क्या होता है जो मेच्योर पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है और जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है पॉलिनेशन इन एक्वेटिक प्लांट सच एज वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला इज कैरीड आउट बाय वाटर। तो इस तरीके का पॉलिनेशन कुछ प्लांट्स में पाया जाता है जैसे हाइड्रिला, वेलिसनेरिया एक्सेट्रा सो so, द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लार इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्लार का मेन फंक्शन क्या होता है फ्रूट्स और सीड को प्रोड्यूस करना एंड द फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म इन अ फ्लार बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन और ये जो फ्रूट्स और सीड होते हैं जो कि फ्लावर में फॉर्म होते हैं ये किस प्रोसेस से होते हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन से तो जैसा कि आज हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में अच्छे से समझ लिया है अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू